ठंड के मौसम में आपको गाजर हर जगह नजर आएगा। और वैसे हमको गाजर का हलवा खाना तो बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन परेशानी तब होती है जब हमें इसे ग्रेटर से ग्रेट करके हलवा बनाना होता है, और स्पेशली उन बिगनर के लिए जिन्हें कि गाजर का हलवा तो खाना पसंद है पर उसे इस तरह से बनाना पसंद नहीं होता है कि उन्हें घंटों लग जाए। तो चलिए मैं आज आपको मिनटों में कुकर में गाजर का हलवा किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए हम देख लेते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिया है, और इस गाजर को मैंने पहले से बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है, और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से छोटे पीसेस में काट लेंगे, और गाजर के इस पार्ट को हम इस तरह से काट कर अलग कर लेंगे, और ये जो मोटा वाला जो पोर्शन है उसे हम बीच से इस तरह से काट लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और अब हम इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। कुकर में मैंने सारे गाजर को डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। ये दूध जो है मैंने 200 से 250 ml लिया है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ाकर 2 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूध जो है हम इसमें थोड़ी मात्रा में इसलिए डालते हैं कि अगर हम इसे ज्यादा डालेंगे तो दूध कुकर से बाहर निकलने लगेगा। गैस पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, और इसे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में से स्टीम अच्छी तरह से निकल गया है। अब हम इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। या तो इस तरह के बड़े चम्मच से हम इसे मैश करेंगे, या फिर हम इसे पोटैटो मैशर जो होता है उससे भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब या तो हम कुकर में ही इसे बना सकते हैं, या फिर हम इसे एक पैन में डालकर इसे बना लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर लिया है, और इसमें एक पैन को रख दिया है, और अब हम इसमें मैश किए हुए गाजर को डाल देंगे। गाजर को मैंने पैन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप शक्कर। 1/2 कप शक्कर मैंने कुकर में डाल दिया था, इसलिए 1/2 कप ही मैंने अभी इसमें डाला है। टोटल मैंने इसमें 250 ग्राम शक्कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप उसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। 5 से 6 इलायची को कूट कर इसका पाउडर बनाया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम फुल आंच पर ही बनाएंगे, और इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। गाजर में शक्कर डालकर मैंने 5 मिनट तक इसे बहुत अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर ही पकाया है, जिससे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अभी तक बस मैंने गाजर में दूध और चीनी ही दिया है, इसमें थोड़ा भी मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून घी। वैसे तो गाजर का हलवा बनाने में हम बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में हमने बहुत ही कम मात्रा में घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो ज़्यादा घी खाना पसंद करते भी नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट डिश है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से नट्स। मैंने यहाँ पर लिया है काजू, किशमिश और बादाम, इसे मैंने बीच से काट लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। वैसे तो हमारा गाजर का हलवा बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसमें बहुत लोग मावा यानी कि खोआ डालते हैं, तो हमेशा घर में खोआ रहता नहीं है, इसलिए हम इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे कि इसमें बिल्कुल मावा जैसा ही टेस्ट आएगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसमें खोआ डाला है। गाजर का हलवा बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे उतार लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।